अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं कॉम्बो बॉक्स को यूज़ करके। हम देखेंगे कि कॉम्बो बॉक्स क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ फॉर्म ऐप में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं विंडोज़ फॉर्म ऐप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सी शार्प लैंग्वेज विंडोज़, ठीक है, और नेक्स्ट। यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ कॉम्बो बॉक्स CB1, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने में, तो इस यहाँ आप वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फॉर्म आ गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले सर ने हमें आज के लेक्चर में कॉम्बो बॉक्स लेना बताया था, यहाँ से हम कॉम्बो बॉक्स सर्च करते हैं। ये है कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स है और इसमें हम एटम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। इस कॉम्बो बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने ये प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ विंडो, ये F4 प्रेस करना है, आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसमें एटम कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ आप नीचे आएंगे, एटम लिखा होगा, ये देखें एटम्स कलेक्शन लिखा हुआ एटम्स, तो यहाँ से आप एटम्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3-4 एटम ऐड करता हूँ, बुक्स, शू, पेंस, बॉल्स, बैट्स, तो कुछ ये आइटम मैंने ऐड किए, आपने ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। हमें रन करेंगे तो ये देखें हमें ड्रॉप डाउन में ये सारे आइटम्स शो हो रहे हैं। तो इसके बाद सर ने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था और बटन, जब भी जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखें और बटन पे क्लिक करें वो यहाँ इनके टेक्स्ट सॉरी कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, एक मैं एक लेबल भी ले लेता हूँ, लेबल, ठीक है। लेबल मैं इसलिए ले रहता हूँ ताकि यहाँ शो होता रहे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ हम इसको लेबल 1 का नाम दे देते हैं आइटम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है। अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ये आ गया, इसको हम यहाँ मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और एक बटन लेते हैं, ये बटन मैंने ले लिया, इसको मैं यहाँ से नीचे ऐड कर देता हूँ और बटन का टेक्स्ट मैं कर देता हूँ ऐड, क्योंकि हम आइटम ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे जो भी इसमें लिखा होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बटन का इवेंट ओपन करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें बटन पे तो आपका ये कोडिंग ओपन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है टेक्स्ट, जो कौन सा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में हो। तो हम क्या लिखेंगे, कॉम्बो बॉक्स, आप यहाँ कॉम्बो बॉक्स लिखेंगे वो आपके पास आगे लिख कर आ जाएगा। कॉम्बो बॉक्स लिखना है डॉट, क्या करना है हमने, एटम्स, एटम्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, फिर आपने ब्रैकेट, अब इसमें जो भी लिखेंगे बटन पे क्लिक करते ही वो ऐड हो जाएगा। आप डबल कोटेशन में जो भी लिखो वो बटन पे प्रेस करोगे वो ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो सिंपल आप यहाँ, हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट ऐड करवाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब उसका जो टेक्स्ट है वो उस में ऐड हो जाए एटम्स में, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेमी कॉलन देना है, तो एरर नो इशू फाउंड, तो एरर नहीं है। तो अभी हम रन करके देखते हैं। अब मैं इधर कोई एटम लिख देता हूँ, अभी हम मेरे पास जो एटम है इसमें बैट्स, बॉल, पेन, शूज़, बुक्स, ये एटम्स हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं नोटबुक्स, ठीक है। अब सॉरी यहाँ हमने नहीं लिखना, हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है नोटबुक्स। तो मैं कॉपीज़ लिख देता हूँ या मैगजीन, ठीक है, कोई भी आप लिख लें, कोई भी आइटम, एप्पल लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो भी हम यहाँ लिखेंगे, अब मैंने बटन पे क्लिक करना है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अभी देखें आइटम एप्पल यहाँ नहीं है, तो हम बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब जैसे बटन पे क्लिक किया ये देखें एप्पल आ गया है, ठीक है।
फिर साहब ने एक और प्रोग्राम बताया था, मतलब एक और चीज़ बताई है कि लास्ट में वो बताई है, उससे पहले साहब ने बताया कि आप प्रोग्राम को रन करो और उसमें ऑलरेडी एटम ऐड हुआ पड़ा हो, तो वो कैसे करना है, ये फॉर्म पे किधर भी आप डबल क्लिक कर दो, ये फॉर्म का जो इवेंट है ना वो ओपन हो जाएगा। सॉरी ये अभी रन हुआ पड़ा है, इसको ख़त्म करते हैं, इधर जाते हैं। अब इधर जिधर भी आप डबल क्लिक कर दो इस फॉर्म का इवेंट ओपन हो जाएगा, तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉम्बो बॉक्स डॉट एटम्स डॉट ऐड, अब जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, अब इसमें हम जो भी लिखेंगे वो उधर ऑलरेडी ऐड होगा। एप्पल ऐड थे, हम अब कर लेते हैं शर्ट्स, ठीक है। तो अब जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे उसमें ऑलरेडी शर्ट्स एटम्स की लिस्ट में शर्ट्स लिखा होगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ये देखें ये शर्ट्स लिखा हुआ है। अब जो हम इधर लिखेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, अब मैं इधर लिख के बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देखें एप्पल नहीं है, तो अब बटन पे क्लिक करके आप वो दोबारा ऐड कर सकते हो एप्पल। अब मैं बटन पे क्लिक करूँगा वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, एप्पल आ गया नीचे। आप इसको कॉपी कर लें और इसी तरह बहुत सारे आइटम्स ऐड कर सकते हैं। इसको आप कर दो फ्रूट्स, इसको आप कर दो टैबलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो ये आइटम ऑलरेडी उसमें ऐड होंगे, ये हम फॉर्म के इवेंट में लिख रहे हैं ना, इसलिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखें ये सारे आइटम उसमें ऑलरेडी ऐड हैं, और जो हम इधर लिख के बटन पे क्लिक करेंगे वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने बटन का इवेंट ओपन किया हुआ है। अब सर ने लास्ट में बताया था जो भी हम इधर सेलेक्ट करें आइटम वो इस लेबल में, इधर एक लेबल हो उसमें शो हो जाए, तो उसके लिए हम एक और लेबल लेंगे, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं लेबल, जो भी इधर सेलेक्ट करें वो इसमें आ जाए लेबल में। तो इसका सबसे पहले टेक्स्ट ख़त्म करते हैं। अब देखें इस लेबल का नाम लेबल टू है, तो इसको अगर हम कॉल करेंगे तो लेबल टू के नाम से, इसको मैं टेक्स्ट को ख़त्म करके यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि यहाँ लेबल है, खाली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर जो भी हमारा आइटम सेलेक्ट हुआ, मैं एक बार रन करके देखता हूँ, इधर हम जो भी आइटम सेलेक्ट करें वो यहाँ शो हो जाए इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये एक बटन होगा ये एक की वाले के साथ, इधर आपने क्लिक करना है, और ये एक बटन है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, इस पे आपने डबल क्लिक करना है। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक फंक्शन ओपन हो जाएगा, तो उसमें हम एटम कैसे ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेबल टू का जो टैग्स है हम कहेंगे उसको इक्वल कर दो कॉम्बो बॉक्स वाले टैग्स के, ठीक है। ये इंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया डॉट टैग्स, कॉम्बो बॉक्स का जो भी टैग्स है वो इस लेबल टू में आ जाए। अब हम रन करके देखते हैं, अब मैं यहाँ से जो भी आइटम सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ शो हो जाएगा, देखें शूज़ और कोई भी आइटम फॉर्म पेंस शर्ट्स, यहाँ आइटम। तो अभी आप इसको और भी यूज़ कर सकते हैं, इसके और भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी, आप उनको देख सकते हो, और अपना कोई प्रोग्राम, जैसे अगर हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें हम आइटम सेलेक्ट करें और उसकी अमाउंट आ जाए, मतलब उसकी जितनी पेमेंट हो वो शो हो जाए इधर साथ ही, और फिर हम बटन पे क्लिक करें तो टोटल पेमेंट शो हो जाए। तो इस तरह आप काफ़ी प्रोग्राम बना सकते हो, आप खुद ट्राई करें और इसको आगे देखें, इसके बाकी फंक्शंस जो जो भी हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मैं कोशिश करूँगा और वीडियो बनाऊँ जिस जो पेपर में आने के चांसेस हो मिड टर्म में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।